हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है कुछ आर्मेचर जो पावर टूल्स की मशीन में लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे सात आर्मेचर मेरे पास यहाँ पे है और सभी में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसको टेस्ट करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा उसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों घंटी को भी दबा दीजिए, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ये जो आर्मेचर को हम कैसे टेस्ट, और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो रहा है मशीन में तो आर्मेचर को फॉल्ट कैसे हम पता हमको चलेगा कि आर्मेचर में फॉल्ट है। तो सबसे पहले मेरे पास है मल्टीमीटर, जैसे कि सब टेक्नीशियन के पास होता है, तो मेरे पास ये नॉर्मल मल्टीमीटर है और मेरे पास है सीरीज बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों एक और भी चीज़ चाहिए जो मेरे पास अभी नहीं है, जो मेरा ख़राब हो चुका है तो साइड में है, तो बाद में मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों एक आर्मेचर चेंट चेक करने के लिए ग्राउलर आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो ये है GWS 600 एंगल ग्राइंडर का आर्मेचर, बोस मॉडल, जो बोस कंपनी का GWS 600 इसी का आर्मेचर है। तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जला हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया है, ये कम्यूटेटर गैप हो गया है, ये देखिए, और सभी पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गैप हो गया, तो उसके कारण आपका जो आर्मेचर रहता है वो कार्बन बहुत खाएगा, देखिए। तो दोस्तों मशीन में अगर कार्बन डालते हो बहुत बहुत जोर से स्पार्क करता है कि मशीन सही चल रहा है, तो इसमें ये आर्मेचर कहीं दिक्कत होता है ये जो गैप होने में। सबसे पहले ये चीज़ को जरूर चेक कीजिए, आर्मेचर गैप हो रहा है तो इसके वजह से आपका कार्बन खाएगा, तो और कोई इशू नहीं होगा। कभी कभी स्लो भी चलता है इसी की वजह से, कभी 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 चलता है, कभी बंद हो जाता है इसी की वजह से, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट हो गया है तो एक दो चीज़ भी यहाँ पे कम्यूटेटर भी मतलब पावर सप्लाई नहीं देगा, तो इसकी वजह से कार्बन यहाँ पे टॉच हो जाएगा, तो अब मशीन को रनिंग नहीं करेगा, तो इसकी वजह से भी आपका आर्मेचर खराब हो सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों दूसरा मेरे पास है 23 ड्रिल मशीन, जो छोटा सा 10 mm का ड्रिल मशीन रहता है, 700-800 रुपये का पड़ता है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए आर्मेचर में कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है, कम्यूटेटर भी सही है। अब ये मशीन में ये बहुत बड़ा दिक्कत है, कम्यूटेटर भी सही होता है, देखिए, लेकिन आपका मशीन बहुत स्लो चलता है, बहुत सारा मशीन में ये दिक्कत होता है, घूमता नहीं है, स्लो चलता है, कभी कभी स्मेल भी आता है इसके वजह से। ये दोस्तों मैक्सिमम टाइम में आपका आर्मेचर खराब हो जाता है, तो ये यहाँ पे दोस्तों ये जो मैक्सिमम टाइम में जो 23-10 ड्रिल मशीन रहता है, ये मशीन में ये दिक्कत होता है, मैक्सिमम टाइम में आपका मशीन स्लो चलता है, तो इसके वजह से आर्मेचर, तो आर्मेचर में आपको मत देखिए, आर्मेचर में अगर आपका मशीन स्लो चल रहा है तो आंखें बंद करके आर्मेचर को चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये जो सीरीज प्लस मल्टीमीटर है इसमें आप चेक करके मैं आपको बताऊँगा क्या क्या दिक्कत है। तो ये सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे GWS 600, यहाँ पे भी दोस्तों इसी का भी यहाँ देखिए ये यहाँ पे गैप हो गया था ये आर्मेचर में, ये भी 600 मॉडल है और यहाँ पे भी मेरे पास है 600 का मॉडल, लेकिन यहाँ पे अलग सा एक अलग दिक्कत है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं कम्यूटेटर को घुमाऊंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से शॉर्ट हो गया है, आप यहाँ से देख सकते हो कम्यूटेटर में कोई भी घाटी नहीं है, ज़्यादा घाटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया है, ब्लैक कलर का, आपको मशीन घुमाओगे देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखेगा, ये देखिए। तो इसके वजह से भी आपका आर्मेचर ख़राब हो जाता है, अगर आपका कोई कम्यूटेटर चेंज कर पाओगे तो चेंज कर लीजिए, लेकिन वो काम की चीज़ नहीं है, परफेक्टली करना पड़ेगा, नहीं तो आप 250-300 रुपये का आर्मेचर आप चेंज कर सकते हो, ये देखिए। और मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी और इशू नहीं है, बस ये दो से तीन पॉइंट शॉर्ट हो गया है, यहाँ पे कम्यूटेटर सही है, लेकिन यहाँ पे जो कम्यूटेटर प्लस जो वायरिंग होता है वहाँ पे पॉइंट लगता है, यहाँ से जल गया है, तो इसके वजह से हमारा आर्मेचर नुकसान हो जाता है, और कोई इशू नहीं है, देखिए सब कुछ सही है, फैन वगैरह कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से ये शॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे और एक प्रॉब्लम, जैसे कि आप देख सकते हो ये 1920 जो परंदा मशीन होता है, छोटा सा होता है, मकीटा कंपनी का, उसी का आर्मेचर है, और यहाँ पे देखिए
इसका कम्यूटेटर खा गए हैं पूरा, कम्यूटेटर पूरा खा गया है। तो इसकी वजह से हमारा मशीन स्लो भी होता है, कभी कभी ज़्यादा कार्बन भी खा जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये देखें, इसकी वजह से दोस्तों आपको आर्मेचर पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये भी दिक्कत है और कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन ये कम्यूटेटर जो कार्बन होता है उसमें घिस घिस के कम्यूटेटर धीरे 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 दो तीन साल में ही खा जाता है, मिनिमम दो तीन साल लगता है ये खा जाता है। तो आपको ये दोबारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इसमें भी पैसा लगता है, आपको जो जो भी काम करे उसमें पैसा ही लगेगा। तो इसलिए आपका ये कम्यूटेटर खा जाता है दो तीन साल, कभी कभी सात आठ साल भी चला जाता है, कभी कभी दस बारह साल से भी आर्मेचर का कम्यूटेटर नहीं खाता। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, तो ये खराब हो चुका है। तो अभी हमको इसका आर्मेचर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका बहुत बड़ा यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये कम्यूटेटर टूट जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बोस का प्लानर मशीन GHO 6500 का प्लानर मशीन है, इसका सब कुछ सही है, लगभग ये सब कुछ सही है, यहाँ पे फैन सही है, उसका वायरिंग भी सही है, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटर टूट गया है। कैसे टूटा है मैं आपको बता रहा हूँ। बोस का मैक्सिमम मशीन, बहुत सारे मशीन में कम्यूटेटर नहीं टूटता है, लेकिन ये मशीन में भी नहीं टूटता है। ये मशीन जो जिसको मैं चेंज किया हूँ, इसमें उसका जो कार्बन का हाउसिंग होता है, मैं वीडियो मेरा दूसरा चैनल में है, मेरा दूसरा चैनल का नाम है टेक्निकल सिस्टम, आप जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, क्योंकि वो हाउसिंग जो कार्बन जहाँ पे बिट था, कार्बन जो कार्बन होल्डर रहता है जहाँ पे बिट था, वो टूट गया था। उसके वजह से ये वो कार्बन होल्डर यहाँ पे टॉच हो गया आर्मेचर में, और वो मिस्त्री क्या किया ना, कंटिन्यू चला दिया, तो उसकी वजह से ये आर्मेचर टूट गया। तो इसके तो यहाँ पे भी ये दिक्कत होता है। तो जब भी आप काम करते हो, जब भी हम आप काम करते हो सही से चेक करके, मशीन है तो आराम से काम कीजिए। अगर कोई साउंड आ रहा है वगैरह कोई चीज़ हो रहा है तो कंटिन्यू मत चलाइए, अगर चलाओगे तो ऐसा ही दिक्कत होगा, छोटा सा खर्चा नहीं 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 करोगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका कम्यूटेटर तोड़ दिया। तो ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा ये C7 सर्कुलर शॉप, जो 7 इंच का वुड कटर मशीन होता है, इसका आर्मेचर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वायरिंग हुआ है, तो यहाँ से जल गया है, ये देखिए यहाँ से ये जल गया है। तो ऐसा दिक्कत यहाँ पे भी है ये मशीन में। यहाँ पे देखिए बाहर में कोई भी इशू नहीं है, लेकिन ये अंदर से जो वायरिंग हुआ है उसके अंदर से जल गया है। तो उसके कारण ये भी कोई, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ से पूरा एक कॉइल होता है वो जल गया है। तो इसके कारण मशीन आपका बहुत जोर स्पार्क होगा, स्लो चलेगा और स्मेल भी आएगा, और घूमेगा भी नहीं, कभी कभी बहुत ज़ोर से आपका ट्रिप भी कट जाएगा, जो MCB बैठता है वहाँ पे भी फ्यूज वगैरह चला जाएगा, ये दिक्कत होने में। तो अभी उसको पी रखते हैं। ये C7 का होता है आर्मेचर, यहाँ से ये जल गया है, तो और कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कॉइल जल गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जैसे बताया था, इसमें भी सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे भी जैसे जल गया था यहाँ पे भी ये जल गया है, लेकिन ये बाहर में कोई दिखाई नहीं देगा, अंदर में जल गया है। तो इसकी वजह से मशीन में आपका स्लो चलेगा और स्पार्क आएगा और स्मेल भी आएगा।